हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल सी एनएम एग्ज़ाम 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में ये वीडियो है आपका पार्ट नंबर 3। और इसमें आप देखेंगे जो आपका सिलेबस दिया गया है ऑफिशियल सिलेबस है, तो उसमें टॉपिक है आपका PHC CSC और जिला अस्पताल का संगठन। ठीक है, तो उस पे बेस्ड ही आपके सारे क्वेश्चन इस पे मिलेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूरी संभावना है कि आपको इस वीडियो से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ओके, तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। मैदानी इलाकों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC द्वारा कवर की जाने वाली जनसंख्या कितनी है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस 40,000, 30,000, 5,000 और 20,000। ओके, तो क्या आंसर होगा। फ्रेंड्स आप सभी लोग हमारे साथ साथ जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, लिखने से क्या होता है आप लोगों को आंसर याद होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहिए। ओके, तो क्या आंसर होगा आपका, आंसर होगा आपका 30,000। ठीक है, 30,000 की जनसंख्या पर मैदानी इलाकों में यानी कि जो प्लेन एरिया होता है उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 30,000 की जनसंख्या कवर की जाती है। आंसर होगा आपका बी, बी आंसर इज राइट। एंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ICDS योजना के मुख्य कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ऑप्शंस प्रशिक्षित दाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य मार्गदर्शक, महिला स्वास्थ्य सहायक। ओके, तो ICDS योजना के मुख्य कार्यकर्ता कौन होंगे। मुख्य कार्यकर्ता होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। और इसका ICDS जो योजना है वो कब स्टार्ट करी गई थी, वो करी गई थी 1975 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 1975 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एकीकृत बाल विकास योजना। ओके, तो इसमें आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में घोषित की। जो आपकी भारत सरकार की जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी है किस ईयर में लॉन्च की गई, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है 1951, 1983, 1977 एंड 1991। ओके, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, 1977। 1977 में क्या हुआ था, भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषित की गई थी। आंसर होगा आपका सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक स्वास्थ्यकर्ता कार्यकर्ता यानी मल्टीपर्पज वर्कर की अनुशंसा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, चड्ढा कमेटी द्वारा, मुखर्जी कमेटी द्वारा, बोर्ड कमेटी द्वारा और मुदलियार कमेटी द्वारा। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शंस, इसमें आपका आंसर क्या होगा। तो 1,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी मल्टीपर्पज वर्कर की अनुशंसा किसके द्वारा करी गई थी, चड्ढा कमेटी के द्वारा की गई थी। चड्ढा कमेटी इसका आंसर होगा, ये आंसर इज राइट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, सामान्य जनन दर यानी जनरल फर्टिलिटी रेट से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन प्रजनन योग्य आयु की प्रति 1,000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या। नेक्स्ट है प्रति 1,000 गर्भावस्थाओं पर जीवित जन्मों की संख्या। एंड सी है प्रति 1,000 की जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या। एंड डी है प्रति 1,000 महिला जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा आपका राइट, इसमें आपका आंसर होगा प्रजनन योग्य आयु की प्रति 1,000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं, सामान्य जनन दर यानी जनरल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। आंसर आपका होगा ए, ए आंसर इज राइट। ओके, ये आंसर आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ICU में
ठीक है। आईसीयू में नर्स मरीज का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? ऑप्शंस है 1:1 और 2:1, सी 3:1, डी 4:1। ठीक है, इसमें आपका आंसर होगा क्या होगा? 1:1। 1:1 क्या होगा इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य मूल्यांकन के दौरान यदि मुख्य नर्स एक गलती करती है तो ये कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शंस पेयर्ड कंपैरिजन, क्वांट्स इफेक्ट, सी हेलो इफेक्ट, डी सेंट्रल टेंडेंसी एरर। ठीक है, तो कार्य मूल्यांकन के दौरान यदि मुख्य नर्स एक गलती करती है तो क्या कहलाती है? हेलो इफेक्ट कहलाती है। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक संगठन की सफलता किसके कार्य संपादन पर निर्भर करती है? ऑप्शन से नियोजक, प्रबंधन और विक्रेता और कर्मचारी। ठीक है, तो प्रत्येक संगठन की सफलता किसके कार्य संपादन पर निर्भर करती है? ये करती है आपके प्रबंधन पर, बी ऑप्शन इज राइट, मैनेजमेंट पे। ओके, मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी संगठन की सफलता प्रबंधन के कार्य संपादन पर निर्भर करती है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? ऑप्शंस है यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, WHO और UNDP। ठीक है, तो भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे योगदान करने वाली संस्था कौन सी है? यह है आपकी यूनिसेफ। ओके, यूनिसेफ है, ये ऑप्शन इज राइट। यूनिसेफ सबसे ज़्यादा योगदान करती है किसमें? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और ये क्या होता है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे ज़्यादा योगदान करती है, क्योंकि जो भी स्कीम्स किसी भी देश में चलाए जा रहे हैं तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है और जो भी टेक्निकल सपोर्ट करना होता है यूनिसेफ करती है। ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या को कवर करती है? ऑप्शंस 2000, 1500, 1000 और 3000। तो कितनी जनसंख्या को कवर करती है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? ये कवर करती है आपकी 1000 की जनसंख्या को। सी ऑप्शन इज राइट। 1000 की जनसंख्या को क्या है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कवर करती है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आशा का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, असिस्टेंट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, बी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और सी एडिशनल सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड ई नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, आशा का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, बी आंसर आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में रूरल हेल्थ सर्विसेज की शुरुआत कब की गई? ऑप्शंस हैं आपके 1989, बी 1978, सी 1977 एंड डी 1975। ठीक है, तो भारत में रूरल हेल्थ सर्विसेज की शुरुआत कब की गई थी? ये करी गई थी आपकी 1977 में, 1977 में क्या किया गया था, भारत में रूरल हेल्थ सर्विसेज की शुरुआत करी गई थी।
सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक उपकेंद्र सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर स्थापित होता है? ऑप्शंस 3000 से 5000, और बी 20000 से 30000, और सी 30000 से 1,20,000, और डी है 2,00,000। ठीक है, तो एक उपकेंद्र यानी सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर स्थापित होता है? तो एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित होता है? ये आपका 3000 से 5000। ये क्वेश्चन है आपका, एक सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर स्थापित होता है? ए ऑप्शन इज राइट, 3000 से 5000 की जनसंख्या पर क्या होता है, एक उपकेंद्र की स्थापना करी जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी जनसंख्या पर स्थापित होता है? ऑप्शंस 3000 से 5000, और बी 20000 से 30000, एंड सी 80000 से 1,20,000, एंड डी है 3,00,000। ठीक है, तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थित होता है? ये होता है आपका 80000 से 1,20,000 की जनसंख्या पर। सी ऑप्शन इज राइट, 80000 से 1,00,000 की जनसंख्या पर क्या होता है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा, सी। ठीक है, 1,80,000 से 1,20,000, 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है। सी ऑप्शन आपका सही, सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का तत्व नहीं है? ठीक है, कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का तत्व नहीं है? पर्याप्त पोषण के लिए प्रेरित करना, बी टीकाकरण, सी अनुसंधान, डी सामान्य बीमारियों का इलाज। ठीक है, तो कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का तत्व नहीं है? ये है आपका अनुसंधान, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का तत्व कौन सा नहीं है? अनुसंधान। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइट क्या आंसर। ठीक है, और पर्याप्त पोषण के लिए प्रेरित करना और वैक्सीनेशन और सामान्य बीमारियों का इलाज, ये क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का तत्व होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं है, तो सी ऑप्शन इज राइट। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये है आपका वीडियो नंबर पार्ट 3। और पूरी में मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको जो भी सिलेबस ऑफिशियल है उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक पे आपको वीडियोस मिले, तो ऐसे ही वीडियोस आपको एग्ज़ाम होने तक मिलते रहेंगे। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, गोल्डन चांस है, परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी सालों बाद आ रही हैं, और आप लोगों को जी जान से इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए और पूरी कोशिश करके आपको इसमें सफलता पानी है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।